यूपीएससी की परीक्षा में 348 रैंक हासिल करने वाले हिमांशु सामंत और 12वीं की परीक्षा में 92% अंक हासिल करने वाली नेहा प्रजापति को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दोनों प्रतिभावान विद्यार्थियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इंसान अपनी मेहनत और लगन के बलबूते कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। यूपीएससी परीक्षा में 348 रैंक हासिल करने वाले हिमांशु सामंत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शामली में तहसीलदार पद पर तैनात हैं, लेकिन हिमांशु का सपना था कि उन्हें इससे भी बड़ी पोस्ट पर जाना है। उन्होंने कड़ी मेहनत की बदौलत यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं देहरादून निवासी नेहा प्रजापति के पिता मजदूरी का कार्य करते हैं। नेहा ने 12वीं कक्षा में 92.6% अंक हासिल कर परिवार वालों के साथ ही प्रदेश का मान भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।